हेलो मित्रों, आज निफ्टी फिफ्टी पे एक बड़ा अपडेट लेके आए हैं। बिग अपडेट बोलेंगे इसको हम। और मेन जो है लाइन टैगलाइन है वो क्या है, मास्टर चार्ट। निफ्टी फिफ्टी बड़ा मास्टर चार्ट लेके आए हैं जो आपको अगले एक वर्ष का मार्केट का सिनेरियो बताएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जो होगा यहाँ से मान लो तकरीबन 2024 तक, मई 24 तक, ठीक है, 2000 मई 24 तक जो हमारे जनरल इलेक्शन होंगे ना देश में लोकसभा के, उसके वहाँ तक का होगा। उसके बाद जो होगा प्रिडिक्शन थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा उस बहुत इंपैक्ट करता है, ये चीज़ें बहुत इंपैक्ट करती हैं जनरल इलेक्शन, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, बड़ी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, इन सब का इलेक्शन पे बहुत जो मार्केट बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ से एक सिनेरियो बनेगा जो हो सकता है आपको एक साल भर तक, साल भर के अंदर मतलब कि 9 महीने के अंदर वो सिनेरियो दिख जाए होते हो मार्केट के अंदर। ठीक है, यहाँ से तो ध्यान क्या रखना है, बुल्स और बेयर को ध्यान से वीडियो देखनी है, ठीक है, यानी जो बहुत ध्यान से देखनी है। और ज़्यादा दम किस में होगा, पुट में दम होगा या कॉल में ज़्यादा दम होगा, किस में ज़्यादा दम होगा ये बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चार्ट दिखाता हूँ मैं। पहला आपको दिख रहा हूँ बहुत नॉर्मल चार्ट है, ये एक हफ्ते का लगा रखा है मैंने निफ्टी फिफ्टी का। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी का मैंने एक हफ्ते का चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे आपको बहुत नॉर्मल दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिख रहा होगा कि कोई बता सके कि अब यहाँ से क्या डिसाइड कर लिया मार्केट ने, कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, हाँ बस आप ये कर सकते हो ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। कोई कहता है कि यहाँ से ट्रेंड लगा दो, भाई ये ट्रेंड लग रही है, अगर इसको क्रॉस नहीं किया है एक ये ट्रेंड लग रही है, ऐसे बोल सकते हैं। पर इस चार्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन दिखा रहा है मार्केट। ठीक है, मैं वो दिखाऊंगा, मैंने चार्ट बना रखा है, इस चार्ट का दो ही चार्ट स्लाइड है, इसमें चार्ट दिखा रखा है, बस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जिनको समझ आ रहा हो, जिनको लगता हो कि यहाँ उनको कुछ समझ आ रहा है इस चार्ट को देख के कि मार्केट का सिनेरियो क्या है क्या नहीं है, मैं उनसे वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि वो देख सकते देखें और इसमें कुछ दिख रहा है उनको कि क्या हो सकता है। इसमें बहुत चीज़ हो रही है इस चार्ट में, एक वीक के चार्ट में ये बहुत चीज़ बता रहा है। एक वीक का चार्ट मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, मार्केट का लेवल डिसाइड कर देगा कि यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम ही लूँगा, मैं दिखाता हूँ उसको, वो चार्ट जो मैंने बनाया है। ठीक है, एक हफ्ते का, एक हफ्ते में ही सॉरी, तो यहाँ पे दिखाओगे ये भी एक हफ्ते का चार्ट लगा रखा है मैंने। ये जो चार्ट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा था वो सेम ये चार्ट है वो। ठीक है, चार्ट दोनों सेम है, बस यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन डिस्टिंक्शन ट्रेंड लाइन ले रखी है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रखे हैं मार्केट के मैंने। ठीक है, यहाँ सपोर्ट ले रखे हैं, यहाँ भी मैंने सपोर्ट ले रखे हैं मार्केट के, और एक ये लाइन ट्रेंड लाइन भी ले रखी है मैंने। तो इस सब से क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं इससे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट की रिस्ट्रिक्शन की जो यहाँ पे आके ब्रेक हुई है। ठीक है, यहाँ पे आके ब्रेक हुई, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड देना शुरू कर दिया। ठीक है, एक ये थी जो अभी भी क्या चल रही है, ये सपोर्ट की है। ठीक है, ये सपोर्ट की है, ये रिस्ट्रिक्शन है, ये सपोर्ट है जो अभी मार्केट को अच्छे सपोर्ट मिला लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ से, आप देख सकते हो यहाँ जब मार्केट गिरा था, ये जब मार्केट गिरा था आप देख, लास्ट टाइम जुलाई में, ये 22 की बात है, जून जुलाई के बीच में मार्केट गिरा था, मार्केट ने एग्जैक्टली 15200 के पास से बाइंग लेना शुरू कर दी थी, डिमांड जोन बनाई थी, जिसे मैं कहता हूँ डिमांड जोन, वो होता है डिमांड जोन, उन्होंने यहीं से बनाया था। ठीक है, 15200 के पास से डिमांड जोन बना था। अब ये जो पैटर्न बनाया ना पूरा, ये जो पैटर्न बनाया इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बुलिश फॉलिंग वेज। ये मैं वीडियो बना चुका हूँ बहुत बार फुल बुलिंग वेज फॉलिंग वेज पे, तो इसे क्या बोलते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बुलिश है ये। ठीक है, क्या है ये, बुलिश है ये फॉलिंग वेज। ठीक है, एक मार्केट जो है दायरे में रहा, ठीक है, और गिरता हुआ पर दायरे में रहा। यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ क्या है, फॉलिंग में होती है, रिस्ट्रिक्शन भी फॉल में होता है और सपोर्ट भी फॉल में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, मार्केट का थोड़ा थोड़ा मैं हाई बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट ने कहाँ कहाँ से मैंने ट्रेंड लिया। जैसे मान लो ये मैंने पॉइंट जो दो पॉइंट यहाँ जोड़े हैं वो कहाँ पे हैं, वो ऑलमोस्ट आपको दिखेंगे मार्केट को 18200 के पास। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा पॉइंट वो, पर एग्जैक्ट क्या है, 18200 के पास है सॉरी। अगला जो पॉइंट मैंने लिया है वो तकरीबन मैंने लिया है जैसे ये वाला जो पॉइंट जो एक ये क्रॉस आया पॉइंट का, वो है तकरीबन 18900। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और मार्केट का ऑल टाइम हाई क्या है वो सबको पता ही है, मार्केट का ऑल टाइम हाई है 19991, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई रहा है अब तक का। ठीक है, 20000 ही बोल सकते हो और ऑल टाइम हाई बोल सकते हो, अभी बहुत बहुतों का मानना है कि मार्केट 20000 जा सकता है। ठीक है, उसे बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ हम चार्ट पे करेंगे, चार्ट का सिनेरियो क्या बोल रहा है और चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब जो है ये तो हो गया बुलिश फॉलिंग वेज। ठीक है, अब ये क्या है वो, इसे ये क्या है, ये भी तो कुछ ना कुछ दिख रहा है पैटर्न, ये डॉट डॉट सी लाइन और ये पिंक ट्रेड लाइन। ठीक है, सपोर्ट की
पिंक टेंडेंट, ये कुछ तो है ये जो दिख रहा है, तो इसे हम बोलते हैं बेरिश, बेरिश राइजिंग वेज। ठीक है, इस ठीक अपोजिट उसके जैसा ये भी, पर क्या है ये, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे बेरिश। ठीक है ना, ये बेरिश है, ये बेरिश, पर क्या है राइजिंग में है, दोनों चीज़ क्या है इसकी, राइजिंग में, रिस्ट्रिक्शन भी राइज कर रहा है और इसका सपोर्ट भी राइज कर रहा है, तो इसे बोलते हैं हम राइज वेज। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ सिनेरियो। अब क्या है मार्केट का आगे का सिनेरियो वो देख लेते हैं। आगे का सिनेरियो मार्केट ये है कि यहाँ से मार्केट, अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड चलना शुरू करता है और पहला सपोर्ट जो इसका पहला रिस्ट्रिक्शन या सपोर्ट बोल सकते हो, जो अब रिस्ट्रिक्शन सपोर्ट बन चुका है, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर ये मार्केट इसको निकाल देता है, 18900 को निकाल देता है, तो मार्केट कहाँ आएगा, सीधा इस लेवलों पे आएगा, 18000 के लेवल पे या 18200 के लेवल पे मार्केट ट्राई करेगा, जो भी छूने की तरफ होगा उसे छूने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये फ्यूचर की बात है, जैसे देख सकते हो आप, ये यहाँ से फ्यूचर की बात है, ये फ्यूचर की बात है कि मार्केट हो सकता है 18200 के आसपास इसको छूने की कोशिश करे, तो मैं कहूँ कि कुछ ऐसा होने की कोशिश करेगा मार्केट। ठीक है, यहाँ से गिरता हुआ मान लो, यहाँ से हल्का फुल्का चढ़ता ऐसे करता भी है, यहाँ से हल्का चढ़ा, ठीक है, फिर गिरा, फिर हल्का चढ़ा, और फिर इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको किसको ब्रेक कर दिया, जो मैंने बोला 18900 को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट ने क्या दिखाया, एक डाउन ट्रेंड दिखाना शुरू किया कि यहाँ यहाँ से अब मार्केट और नीचे जा सकते हैं, तो ये हो सकता तरीका। ठीक है, ये तरीका भी हो सकता है, और हो सकता है कि मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाए और मार्केट एकदम से सीधा यहाँ से फॉल दे दे ऐसे। ठीक है, स्ट्रेट फॉल दे दे, जैसे ये वाला फॉल दिख रहा होगा आपको, स्ट्रेट फॉल है ये, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मार्केट सीधा नीचे आ गया, पर इसमें कम चांस होते हैं जो मैं बना रहा हूँ उसके। ठीक है, मार्केट फिर हल्का सा इसको टेस्ट करने गया, ठीक है, इसको टेस्ट करा, और मार्केट फिर से टेस्ट करने के बाद इसको फिर नीचे आ गया, और मार्केट ने इसको नीचे टेस्ट किया, और यहाँ पे मार्केट ने फिर इसको टेस्ट किया। ये लेवल क्या है, ये लेवल है आपके 18200 वाले। ठीक है, अगर मार्केट 18200 निकाल देती है तो फिर क्या होगा, फिर एक और फॉल आएगा, वो होगा एक और बड़ा फॉल, वो बहुत बड़ा फॉल होगा, तकरीबन तकरीबन आपको बता दूं 18000 से लेकर तकरीबन 17000, जो आपको ये लास्ट टाइम जो फेस किया था ना मार्केट ने, सपोर्ट फेस किया था, सपोर्ट लिया था ये वाला, यहाँ तक का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट का ये सपोर्ट था, मार्केट का जो अच्छे सपोर्ट किया मार्केट ने लास्ट टाइम, जब अप्रैल में मार्केट, ओ सॉरी, अप्रैल मार्च अप्रैल के बीच में, जो मिड जो एकदम बीच में आखिरी के मार्च का आखिरी था, और ये मार्च का आखिरी था यहाँ पे देखोगे, और अप्रैल शुरू होने वाला, तब मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट एकदम चढ़ता चला गया, और देख सकते हो आप एक तरफ मार्केट चढ़ा, एक तरफा, इसे बोलते हैं एक तरफा चढ़ना, मार्केट एक तरफा मार्केट चढ़ा और मार्केट धीरे धीरे सिर्फ चढ़ते चला गया, बिल्कुल चढ़ता चला गया, कोई रुकावट नहीं आई, 20000 मतलब 3000 पॉइंट मार्केट की रैली थी, 3000 पॉइंट की, जो बहुत कम सिनेरियो में देखने को मिलती है कि मार्केट 3000 पॉइंट की रैली दिखा रहा हो इकट्ठा एक साथ। ठीक है, तो ये हुआ 3000 पॉइंट की रैली आई। अब यहाँ पे क्या है, जब अगर ये खिसक गया सपोर्ट, ये सपोर्ट जो खिसक गया, तो जैसे मैंने बोला ये क्या है, बेरिश राइजिंग वेज, तो ये कन्फर्मेशन सिग्नल दे देगा कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए तैयार है, तो फिर अगला टारगेट क्या होगा मार्केट का, फिर अगला टारगेट मार्केट का सीधा क्या होगा, वो है आपका 16800, ये नेक्स्ट टारगेट होगा मार्केट का। ठीक है, ये नेक्स्ट टारगेट है मार्केट का 16800। ठीक है, ये हो सकता है आपको दिसंबर के आसपास या नवंबर दिसंबर के आसपास आपको ये 16800 मार्केट दिख जाए। ठीक है, मार्केट यहाँ से जब फॉल होना शुरू हो तो वहाँ पे दिख जाए। अब मैं थोड़ी बाद में बोल दूंगा, पर आपको थोड़ी अजीब सी भी लग सकती है, पर एक सिनेरियो बन सकता है, अगर मार्केट इफ़ मार्केट क्लोज बिलो दिस, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से भी अगर क्लोज देना शुरू करता है इसके नीचे भी, और सपोर्ट को ब्रेक कर देता है इस सपोर्ट को भी, इफ़ मार्केट ब्रेक दिस सपोर्ट, देन यू कैन सी 15000 के लेवल, फिर ये अब बहुत होगा अजीब सा लगेगा कि 15000 वही वाली बातें कर रहे हैं। ये देखो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव नहीं है, ठीक है, ये जो है नॉन एक्टिव एरिया है, ठीक है, ये एरिया क्या है, दिस एरिया इज़ नॉट एक्टिव अनटिल अनलेस ब्रेक दिस। ठीक है, दिस एरिया इज़ नॉट एक्टिव नाउ। ठीक है, मैं अभी इसके फेवर में नहीं हूँ कि हो सकता है, बस इट कुड बी चांस, हो पाए शायद ऐसा कुछ हो जाए, चांस है,
होने को हो सकता है, 100% नहीं है ये, पर एक्टिव नहीं है, एक्टिवेट नहीं है ये भी एरिया, खाली आपको बताया बता रहा हूँ खाली कि ये हो सकता है अगर मार्केट वो लेवल तोड़ दे, लेवल तोड़ दे अगर 16800 लेवल तोड़ दे, तो आप तैयार रहना कि मार्केट 15000 के लेवल के लिए आ सकता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर फॉल होकर सीधा कहाँ आएगा, 15000 के लेवल को टच करेगा, ठीक है, टेस्ट करेगा क्या। फिर जो मेजर सपोर्ट है इसका, एक यहाँ पे मेजर जो सपोर्ट है मार्केट का, उसे मार्केट आगे टच करेगा, ठीक है, उसको आगे मार्केट एक बार टेस्ट करेगा, ठीक है। फिर मैं बस शुरू में एक बार दोबारा बोल दूँ, आपको लोगों को लगे कि ये बड़ा जला के बोल रहे हैं, अनशन बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ये इन केस वाली बात है। हो सकता है एरिया एक्टिव नहीं है, ये वाला भी अभी जो है एरिया है जो है ये एक्टिव नहीं है, ये एरिया, ठीक है ना, ये वाला कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया भी एक्टिव नहीं है अनटिल अनलेस द मार्केट विल नॉट क्लोज बिलो 16800, मार्केट जब तक इसको क्रॉस नहीं कर देता है 16800 को मार्केट क्रॉस नहीं कर देता है, क्लोज नहीं दे देता है 16800 के, बस ये याद रखना 16800 के नीचे क्लोज नहीं देता है तक मार्केट एक वीक का, तब तक ये जो ये एरिया एक्टिव नहीं है। हाँ अगर क्लोज दे दिया 16800 के नीचे तो ये एक्टिव हो जाएगा, फिर आप देखोगे 15000 से पहले मार्केट नहीं रुकेगा। यहाँ पे मेरा बताने मतलब ये है नहीं, यहाँ पे मैं आपको ना स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, ना एंट्री बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और ना टारगेट बताने, मैं टारगेट बता रहा हूँ कि ये जो हो सकता है ये सिनेरियो बन रहा है, चार्ट देख के सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, जैसे चार्ट दिख रहा है ये चार्ट देख के सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, ऐसा चार्ट सिर्फ कह रहे हैं, जो चार्ट जो कह रहा है ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है ये, ठीक है, मार्केट जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको पैटर्न होता है ये, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो पैटर्न होते हैं ये पहले भी हो चुके हैं, तकरीबन 1997 भी हुआ था, ठीक है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने 1997 में भी पढ़ा था पहले ये, ठीक है, उससे पहले हुआ तो मुझे पता नहीं है, 1997 में हुआ था और 2008 में भी बोलते हुआ था, और सेम 2020 में भी ऐसा ही हुआ था मार्केट में, जब मार्केट ने फॉल किया था, इसमें 2020 का इससे पहले पैटर्न नहीं है, अगर आप देखना चाहोगे तो आप 2020 का और 2008 का पैटर्न देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये वैसा पैटर्न है, मतलब निफ्टी फिफ्टी मिल जाएगा, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी से 1996 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था, आया था जब सेंसेस के बाद, जब निफ्टी फिफ्टी आया है तब 1996 में आया था, तो हो सकता है कि ये 2008 और 2020 में तो आपको दिख जाए ऐसा फॉल जो मैं बता रहा हूँ, पर उससे पहले क्या मुझे नहीं पता, हो सकता है। अब अगर ये होता है ऐसा तो ये फॉल आना तय है, ठीक है, अगर ये फॉल आता है तो आना तय है, और ये फॉल कब तक आएगा, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बोल दिया ये फॉल कब तक रहेगा, ये फॉल है आपके लिए 2024 के मई तक, उससे पहले पहले आ जाएगा तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे, ठीक है, अप्रैल मई में हमारे देश में इलेक्शन होंगे 24 में, वो बहुत इम्पैक्ट करेंगे मार्केट को, इलेक्शन बहुत इम्पैक्ट करते हैं, हमेशा याद रखना, कोई सा भी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, नहीं तो आप एक बार ऐसा करना कि आप 2009 का एक बार इलेक्शन डाटा देखना, जब यूपी की गवर्नमेंट रिपीट हुई थी एक बारी, तब वहाँ पे यही हुआ था, ठीक है, जब 2019 में एनडीए की गवर्नमेंट रिपीट हुई थी तब भी मार्केट में बहुत अच्छी तेज़ी आई थी, ऐसा होता है मार्केट बताती है कि वो सपोर्ट कर रही है, ठीक है, ऐसे अभी जो मार्केट है वो गवर्नमेंट को, एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट अच्छा देख रही है, अच्छा काम कर रही है, तो वो उसके सपोर्ट में, जैसे 2009 में जब ऐसे हुआ था मार्केट यूपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, उससे अच्छा लग रहा था कि हाँ जो काम कर रही है वो ठीक कर रही है, मार्केट ने रिएक्ट भी ऐसे किया था, आप जाके देख सकते हो 2009 में, आप 24 मई में ही आप देखोगे तो तकरीबन 17% के आसपास मार्केट ने एक अच्छा खासा यूज राइज दिया था, बहुत अच्छा अप मूवमेंट दिया था, तो हो सकता है जैसे 19 में भी ऐसी हुआ था, मार्केट ने अच्छा खासा राइज दिया था, और ठीक है अब तो आप देख ही रहे होगी मार्केट 20000 तक के लेवल पर चला गया, तो मार्केट जो गवर्नमेंट को भी कितना सपोर्ट करती है मार्केट बताती है, ठीक है, तो हो सकता है उसे पहले एक फॉल लेके आएँ, ताकि जब अगर इन केस दोबारा से एनडीए जीत जाती है, ठीक है, तो मार्केट फिर से एक बार 25000 के लेवल के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है, तो ये मेरा जो ओवरऑल चार्ट दिखाने का पर्पस है ब्रॉडर बाइट में, ठीक है, मास्टर चार्ट दिखाने का मतलब ये है कि आप तैयार हो जाओ अभी से ही। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, उससे पहले मार्केट एक पोज लेगा, ठीक है, फॉल लेगा, पोज मार्केट ले रहा है, देख सकते हो आप मार्केट अच्छा खासा पोज ले रहा है मार्केट यहाँ पे, अब बचा है फॉल की बारी, मार्केट अब फॉल लेगा ऐसे, ठीक है, बाकी मेरा काम बस आपको समझा देना है, आपको बस आगाह कर देना है और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है, बाकी वही फंड आपका है, आपकी मति है, आपकी बुद्धि है, आप अपने हिसाब से लगाएंगे, ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ब्रॉडर मार्केट में क्या होने वाला है, निफ्टी फिफ्टी में क्या होने वाला है, मास्टर चार्ट आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा आई होप आपको समझ भी आया होगा, ठीक है, समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है,
तो ऐसे और भी जानकारी के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।